वेलकम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको शुगर के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से डाइट लेकर शुगर को कंट्रोल कर सकते हो और कुछ घरेलू उपचार बताऊंगा जिसको यूज करके आप बिल्कुल शुगर को नॉर्मल कर सकते हो। शुगर को दोस्तों डायबिटीज और मधुमेह भी बोल देते हैं। दोस्तों शुगर से हमारे बॉडी के बहुत सारे अंग इफेक्ट होते हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो नई की जाने वाली अपलोड वीडियो आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुगर के बारे में जान लेते हैं कि शुगर होती क्या है। दोस्तों जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए यानी कि शक्कर की मात्रा अधिक हो जाए तो उससे शुगर कहते हैं। शुगर दोस्तों दो प्रकार की होती है, एक होती है इन्सुलिन शुगर और एक होती है नॉन इन्सुलिन शुगर। तो दोस्तों कैसे पता चलता है बॉडी में कि शुगर हो चुकी है? दोस्तों जब किसी इंसान को ज़्यादा प्यास लगे, ज़्यादा भूख लगे और ज़्यादा गंदी गंदी दुर्गंध आई तो उसको दोस्तों शुगर की निशानी होती है। अगर ये कुछ सभी कुछ है बॉडी को फील होता है तो उसको शुगर की निशानी हो सकती है, उसको शुगर चेक करवाना चाहिए। तो दोस्तों इस शुगर से कौन कौन से बॉडी के अंग इफेक्ट होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले दिल, दिल की बीमारी होती है दोस्तों जिसको शुगर होती है। दिल की हार्ट बीट वगैरह तेज होना या कुछ भी हार्ट अटैक वगैरह आना ये शुगर की निशानी है। तो दूसरा है दोस्तों आइज प्रॉब्लम, आंखों की उसको प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि लालपन आंखों में आना। तो तीसरा है दोस्तों न्यूरोपैथी जैसे कि घाव हो जाना, जख्म हो जाना। तो दोस्तों ये कुछ निशानी है अगर किसी शुगर होती है और ये अंग इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट लेकर आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हो कुछ हद तक। तो दोस्तों अगर हम बात करें ब्लड शुगर की, फर्स्ट नंबर पर आता है दोस्तों ब्लड शुगर। अगर दोस्तों आप अच्छी डाइट लेते हो तो आपके जो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अगर आप अच्छी डाइट और अच्छा पोषण लेते हो तो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में आ सकती है और आपकी शरीर इफेक्ट होने से बच सकता। दूसरा होता है दोस्तों दिल की प्रॉब्लम। अगर आपको दिल की प्रॉब्लम, दोस्तों अगर आप अच्छी डाइट वगैरह लेते हो तो आपके दिल की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। दूसरा होता है दोस्तों, तीसरा होता है दोस्तों एनर्जी की कमी, एनर्जी लेवल। दोस्तों अगर आप कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स टाइम से लेते हो, अच्छी डाइट में लेते हो तो आप में जो थकावट महसूस होती है वो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हमारा शरीर बिल्कुल डाउन सा पड़ा हुआ है, आपका शरीर में एनर्जी आ जाए। दोस्तों अगर आप अच्छी डाइट लेते हो तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कुछ घरेलू उपाय जिसको यूज करके आप बॉडी में ग्लूकोज के स्टार्च को बिल्कुल कम कर सकते हो। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों करेले का जूस। अगर आप करेले का जूस दोस्तों नियमित रूप से दिन में एक बार सेवन करते हो तो आपके शुगर का लेवल जो है थोड़ा कम हो जाएगा और कंट्रोल रहेगा। अगर आप इसको लगातार यूज करते हो ना 10-15 दिन, एक मंथ तक लगातार आप इसको यूज करोगे तभी आपका जो शुगर का लेवल है वो थोड़ा बहुत कम होगा। दूसरा है दोस्तों नीम की पत्तियाँ। अगर आप नीम के पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर बना लेते हो और उसको लगातार आप 1-1.5 मंथ तक आप सेवन करते हो तभी भी आपके शुगर को कंट्रोल में आ जाएगी आपकी शुगर। तीसरा है दोस्तों जो नीम की पत्तियाँ, इसको आपने पानी में उबालना है। पानी में उबालने के बाद जब आपके नीम के पत्ते ब्राउन कलर के हो जाएं उसके बाद आपने उसी पानी का आपने सेवन करना है। इस प्रकार से भी आपकी जो शुगर लेवल है वो नीचे आ जाएगा। चौथा है दोस्तों एलोवेरा जेल। अगर आप एलोवेरा जेल को भी दिन में 2 बार यूज करते हो, दिन में 2 बार इसका एलोवेरा जेल का सेवन करते हो तभी भी आपकी जो शुगर का लेवल है वो कम हो जाएगा। चौथा है, पाँचवा है दोस्तों दालचीनी। अगर आप दालचीनी का भी सेवन करते हो यानी कि आप मसालों में जैसे आप सब्जी वगैरह बनाते हो उसमें अगर आप रोज़ाना डाइट में आप दालचीनी का सेवन करते हो तभी भी आपकी जो शुगर है शुगर का लेवल कम हो जाएगा।
मेथी दाने को सेवन करके भी दोस्तों आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हो। मेथी दाने को दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। एक तो रात पर आप मेथी दाने को पानी में भिगो कर रख सकते हो, सुबह उठकर आप उस पानी को पी सकते हो। दूसरा है, मेथी दाने को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है, पाउडर बना लेना है, उसके बाद आपने सुबह शाम इस पाउडर का सेवन करना है। कुछ उपाय हैं जो आपकी शुगर को कुछ हद तक कंट्रोल में लेकर आएंगे, और आपकी शुगर को अगर आप लगातार इनमें से एक को भी यूज करते हो तो आपकी शुगर लेवल कम हो जाएगी। ओके, थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।